पैदल चल चल के जा रहे हैं। और ये है हमारा हॉस्टल, हम लोग पहुंचे हैं। सो हे गाइस, आज संडे है और मैंने उठते ही व्लॉग शुरू कर दिया है, तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह उठते ही सबसे वाइटल स्टेप होता है, सबसे बढ़िया काम होता है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करें। तो चलिए बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। सो डेट्स माई रूम विच इज़ प्रोवाइडेड बाय माई कंपनी, और ये मेरा पर्सनल रूम नहीं है, यहाँ पे हम लोग दो लोग रहते हैं। रूम काफ़ी डिसेंट है और अच्छा है, वेल फर्निश्ड है। और रूम के इस वाले सेक्शन में हमारे वार्डरोब्स हैं, जहाँ कि हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। A few minutes later. तो ये है हमारा मेस, जहाँ सीन कुछ ऐसा है कि रजिस्टर मेंटेन होता है और ये भैया हमें सर्व करते हैं, तो शायद कैमरा को देख के शर्मा गए। यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन होता है और यहाँ सैलेड्स अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं मेन्यू में क्या। Oh my God! Wow! और मेन्यू में यहाँ पे है टमाटर लहसुन की चटनी और गरम गरम ये रोटियाँ दिख रही हैं मुझे, पुलाव है और ये दाल तड़का, और यहाँ पे ये करेले का भुजिया है जो कि ठीक है, और यहाँ पे आलू दम। तो खाना सही है। A few moments later. तो अभी हम लोग पीने वाले बहुत ही महंगी चीज़ जो कि है नींबू पानी, क्योंकि नींबू अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और हमारे साथ जुड़ चुका है हमारा नया फ्रेंड गगन। Hey boy. और अभी यहाँ पे है अर्जुन। अभी हमारा खुलने वाला है चैनल, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को हिट करो। One eternity later. तो अभी हो गया शाम के 4:30 और हम लोग जा रहे हैं जिम। तो ये हमारे हॉस्टल का रिसेप्शन है, हम लोग निकलने वाले हैं जिम के लिए। तो आज हमारे साथ गगन भी जिम जाने वाला है। हम लोग सब रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जिम। और ये हमारा हॉस्टल जहाँ के हम रहते हैं। हम लोग पैदल चल चल के जिम जा रहे हैं, हमारा लेग वर्कआउट वगैरह सब इसी में हो जाता है क्योंकि जिम काफ़ी दूर है। और यहाँ पे कुछ शॉट्स है उन रास्तों के जिधर से हम लोग पैदल जा रहे थे, और रास्ता काफ़ी साफ है और प्लांट काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं जिम, और यहाँ काफ़ी हरियाली है, यहाँ प्लांटेशन किए हुए हैं, ये आम के कुछ पेड़ हैं, और ये जितने आप पौधे देख रहे छोटे छोटे, ये सारे है। तो यहाँ हॉर्टिकल्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ लेक, ये छोटा सा लेक भी है हमारे प्लांट के अंदर जो कि काफ़ी सही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है छोटा सा। ये बिल्कुल साफ पानी है और ये पानी इस तरफ से आ रहा है।
और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जिसमें कुछ झूले लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये एक और पार्क है जो कि लेक के बिल्कुल साइड में है, और ये मेरा एक फेवरेट पार्क है, वन ऑफ द फेवरेट पार्क है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे सीन्स बहुत अच्छे हैं, आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी पार्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्क है, और ये गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने है, तो मैं जब भी जिम से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ। तो चलिए गेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि गेस्ट हाउस और जिम कैसा है। तो अंदर यहाँ डिस्प्ले में एक मिनिएचर मॉडल लगा हुआ है पूरे प्लांट का, इसमें फ्यूचर प्लांट्स भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये है रिसेप्शन, और हमारे राइट हैंड साइड में टेबल टेनिस रूम जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं। और इन्हें सच में मैं बता दे रहा हूँ इनके हरकतें देख के कि इन्हें तो नहीं आता है खेलना। यहाँ अंदर में बिलार्ड्स रूम, नीचे वाले जो फ्लोर में है आपके बिलार्ड्स रूम और टेबल टेनिस रूम है। दरअसल इस वीडियो में टोटल कवर नहीं हो पा रहा, और भी बहुत कुछ है, तो मैं किसी और वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे फुल सब कुछ कवर करके एक और वीडियो बनाऊंगा। बिलार्ड्स रूम से निकल के हम लोग जा रहे हैं अपस्टेयर्स जिम की तरफ। यह प्लांट्स लगे हुए हैं, ये नकली है। यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे है योगा रूम, हाँ साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल। इंटर कर रहे हैं हम लोग हमारे जिम में। देख सकते हैं जिम काफी अच्छा है। ये क्या हो रहा है भाई? You made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer. Then it wouldn't you be your man? I'd fight a thousand guys, live to die, a thousand guys. तो यहाँ पे हो गई है शाम और नज़ारा काफ़ी अच्छा है। उस जगह अगर आप देख पा रहे होगे तो एक फाउंटेन है, नज़दीक जाके आपको दिखाएंगे।
ऐसा फाउंटेन जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी बेंच वगैरह लगे हुए हैं, तो ये एक छोटे से पार्क की तरह है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब हो चुकी है शाम और यहाँ इसमें फाउंटेन में लाइट्स वगैरह भी जलने लगी है, तो यहाँ पे सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे और व्लॉग्स डालूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।